बीपीएससी के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा के दो परीक्षा केंद्रों पर जिलाधिकारी और एसएसपी ने किया औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी ने कहा परीक्षा कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण हो रहा है संपन्न। बीपीएससी की परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा शहर के दो परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें श्याम सुंदर हाई स्कूल और मारवाड़ी पाठशाला में चल रहे बीपीएससी एग्जाम के दौरान कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि पहले भी बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा करवाई गई थी, जो कदाचार मुक्त और शांतिपूर्वक संपन्न कराई गई थी। वहीं इस परीक्षा में भी शांतिपूर्ण तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा कराया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, वहीं शिक्षकों के द्वारा कड़ाई से परीक्षा ली जा रही है। शांतिपूर्ण तरीके से जो है एग्ज़ाम चल रहा है। आप लोग जान रहे हैं इससे पहले भी बीपीएससी ने तो शिक्षक भर्ती को लेकर के विभिन्न तिथियों में परीक्षा आयोजित की थी, तो बहुत बढ़िया से कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा पहले भी आयोजित हुई थी, आज भी आयोजित हो रही है, कल भी परीक्षा है। सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं, सारे केंद्राधीक्षक और जितने भी वीक्षक हैं सब लोग अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं, तो यही हम लोग देखने के लिए आए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे से परीक्षा।